गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी क्लास है सेकंड। आपका सब्जेक्ट है जीके। जीके में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 29 का नेम है आवर कंट्री। चैप्टर नंबर 29 का नेम है आवर कंट्री। मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी, राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द कॉलम बी इन द बॉक्सेस गिवन अगेंस्ट कॉलम ए। वन हैज बीन डन फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी कौन सी है? नंबर फिफ्थ, ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, नंबर फिफ्थ पर है न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली। नंबर टू, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नंबर एट, द गंगा। तो हम यहाँ पे आंसर बॉक्स में लिखेंगे नंबर एट गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, सबसे ऊंचा वाटरफॉल इंडिया का कौन सा है बच्चों? आइए हम देखते हैं, आंसर इज 11 आंसर इज 14 द हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया, आंसर इज 14। 14 नंबर पर है जॉक फॉल्स। नंबर फोर, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंबर 11 गोडविन ऑस्टिन। नंबर फिफ्थ, द हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? नंबर 1 बुलंद दरवाजा। द हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया, बुलंद दरवाजा क्या है बच्चों? बुलंद दरवाजा। नंबर 6, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? नंबर 13 भाखड़ा नांगल, क्या है बच्चों? भाखड़ा नांगल। नेक्स्ट है नंबर 7, द हाईएस्ट मीनार इन इंडिया, सर्वोच्च मीनार कौन सी है हमारे देश की? नंबर 3, आंसर इज नंबर 3 कुतुब मीनार। नंबर 8, द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। नंबर 15, द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज वुलार। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, नंबर 4, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान। द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, आंसर इज नंबर 2, द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया इज तजुल ए मॉस्क्यू। नंबर 11, द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। नंबर 6, इंडियन म्यूजियम। नंबर 12, द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, आंसर इज 7 सियाचिन। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, नंबर 9, सबसे लंबी दूरी का प्लेटफॉर्म कौन सा है इंडिया में? नंबर 98 खड़गपुर। नंबर 14, द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया। नंबर 12, ऋग्वेद, सबसे इंडिया की सबसे पुरानी बुक कौन सी है? ऋग्वेद। नंबर 15 एंड लास्ट, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। नंबर 10, हीराकुंड। आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आपको ये सारे आंसर्स आपकी बुक में क्वेश्चन के साथ लिखने होंगे।